हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस रोड में हम आपको बता रहे हैं प्रोग्राम मॉनिटर के बारे में। प्रोग्राम मॉनिटर आपके स्क्रीन में राइट साइड में उपलब्ध रहता है सामान्य तौर पर। यहाँ पर जो क्लिप हमें दिखाई पड़ती है, जो टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को हम यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम मॉनिटर में। प्रोग्राम मॉनिटर एक तरीके से टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप के लिए व्यू का काम करता है। टाइमलाइन पर जो भी आप काम करेंगे उसका आउटपुट आपको प्रोग्राम मॉनिटर में दिखाई पड़ता है। इसमें ज़्यादातर सेटिंग्स और ज़्यादातर ऑप्शंस आपको सोर्स मॉनिटर जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। उन ऑप्शंस के यूज़ भी लगभग सेम ही होता है जैसा कि सोर्स मॉनिटर में होता है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको टैब मिलता है सोर्स मॉनिटर का, सोर्स मॉनिटर का मेन्यू मिलता है। यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं, इनको क्लोज करना है, पैनल को आपको क्लोज करना है, ओपन करना है, जिस तरीके से आपको मैनेज करना है, यहाँ पर सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद जब नीचे जाते हैं तो एक टाइम कोड मिलता है। यहाँ पर जो टाइम कोड आपको दिखाई पड़ता है वो टाइम लाइन वाला टाइम कोड ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और एक टाइम लाइन आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। ये टाइम लाइन आपको दिखाई पड़ता है जब हम यहाँ पर टाइम लाइन पर इन और आउट मार्किंग करते हैं, तो यहाँ की इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जैसे सोर्स मॉनिटर में जब इन मार्क इन मार्कआउट का प्रयोग करते तो राइट साइड में इस ड्यूरेशन को दिखाई दिखता था, लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन की क्लिप की ड्यूरेशन को ना दिखा करके ये यहाँ पर टाइमलाइन पर लगाए गए मार्कर एरिया को यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर सेटिंग रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पर यदि आपको प्रोग्राम मॉनिटर में कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ पर आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, मार्जिन के लिए, ओवरलेस के लिए, कैप्शन क्लोज करने के लिए या रिजोल्यूशन के लिए, जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है। अल्फा एंड कंपोजिट मोड में यदि काम करना है उसके लिए भी आपको ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करता है। यहाँ बीआर वीडियो, जो आजकल 3D वीडियो जिसे बोलते हैं 360 डिग्री, उन वीडियो के लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है देखने के लिए। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो बटन आपको दिखाई पड़ रही है ये रिजोल्यूशन के लिए दी गई है। आप फुल क्वालिटी में देखना चाहते हैं या हाफ क्वालिटी में या उससे भी लोअर क्वालिटी में देखना चाहते हैं। इसका फ़ायदा उस समय होता है जब आपका सिस्टम स्लो हो और आपका जो कंटेंट हो बहुत हैवी हो, तो उसमें क्या है हम क्वालिटी कम करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट जाने के लिए इसकी क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस विंडो को कितना जूम करके देखना है तो यहाँ पर आपके सामने जूम बटन ऑलरेडी होता है। यहाँ से आप कितनी करके देखना चाहते हैं वो यहाँ पर इसको आपने मॉनिटर को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल बटन भी, ये जूम स्क्रॉल बटन है, आप चाहें जूम करके भी आप इस टाइमलाइन के टाइम कोड को भी यहाँ जूम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं जिनके द्वारा हम मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। मार्क इन मार्कआउट यहाँ से यूटिलाइज किया जा सकता है। इन पॉइंट पे जाना हो, आउट पॉइंट पे जाना हो, एक फ्रेम बैक जाना हो या एक फ्रेम फॉरवर्ड जाना हो, प्ले जाना हो, प्ले करना हो या स्टॉप करना हो, यहाँ पर भी आपको इंसर्ट एंड ओवरराइड ऑप्शन जैसा दिखता है लेकिन वो वैसा ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर बेसिकली लिफ्ट माने डिलीट होता है और एक्सट्रैक्ट माने होता है रिपल। यहाँ पर हम चढ़ते हैं, इसको डिलीट करेंगे तो क्लिप डिलीट हो जाएगी, इन मारा है, और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यह रिपल डिलीट होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये रिपल और लेफ्ट डिलीट में क्या अंतर है, ये दोनों के बारे में हम अभी जब टाइमलाइन पे वर्क करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो ये आपका मॉनिटर, प्रोग्राम मॉनिटर जो विंडो है वो आपको टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को प्रीव्यू करने के लिए काम किया जाता है। चाहे आप उसमें एक लेयर पे काम करें, दो लेयर पे करें, चार लेयर पे करें, जो भी आप इस पे इफेक्ट लगाते हैं, जो भी आप क्लिप लेके आते हैं, उनमें जो भी आप कंपोजिटिंग का कार्य करते हैं, वो सारा आउटपुट आप केवल प्रोग्राम मॉनिटर में ही देख सकते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम मॉनिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावरफुल और यूजफुल विंडो है। इसके बिना आप वीडियो एडिटिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।